हेलो गाइस, हेलो ओके तो कड़े प्रयास बाद यार फाइन। गुड इवनिंग ऑल, जो भी जुड़े हैं, व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक द लाइट, टेल मी वेदर आई एम ऑडिबल और क्या आप मेरे आवाज़ मैं ऑडिबल टू यू और नॉट, क्योंकि आज के क्लास में पर ना हम सीखने वाले पूरे एंटायर क्लास में आई शुड बी ऑडिबल। तो टॉपिक हम सीखने वाले वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप नॉर्सेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, पीएचओ सीएचओ राजस्थान अभी आने वाली है एग्जाम है उसके लिए अगर आप कर रहे हो, उसके बाद फिर बाकी जो नर्सिंग कंप्यूटर एग्जाम्स है उसके लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये जो टॉपिक हम आज के क्लास में सीखने वाले हैं और इसमें मैं जो कुछ भी पढ़ाने वाला हूँ हर एक पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आई विल ट्राई की एकदम इजी तरीके से, एकदम अच्छे सिंपल तरीके से आपको मैं सिखा दूं और आपको वो याद रहे। एंड इसके बारे में जो क्वेश्चंस हो गए कुछ अच्छी कुछ हो गए जो कि हम सैटरडे को देने ही वाले हैं, बट इस प्रकार से हम सीखेंगे लाइक फिर से इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन अराइज होता है तो आपके पास आंसर रहेगा। बिफोर वी स्टार्ट टीचिंग, हम इसे सीखना शुरू करने से पहले आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट, कि आप मुझे सुन पा रहे हो या नहीं। चलो इफ आई एम ऑडिबल टू यू, यस नो थम्स अप थम्स डाउन कुछ तो यू हैव टू से इन द चैट बॉक्स, आपको बताना है कि वी कैन प्रोसीड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, जस्ट लेट मी नो ऑडिबल। मैं ऑडिबल गाइज, क्या मेरी आवाज आ रही है? वो पीपल हैव जॉइंड, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज लाइक द लाइव स्ट्रीम, लाइव स्ट्रीम को लाइक करना है इफ पॉसिबल यू कैन शेयर इट, एंड सेकेंड थिंग यू हैव टू से कि वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट, क्या मेरी आवाज आ रही है? डोंट नो इफ देर इज प्रॉब्लम, इज देर इज एनी इश्यू, सो यू कैन स्टेट दैट क्या आवाज है नहीं है। Five people have joined. Very good. Come on, you have to say audible है या नहीं, आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। थैंक यू वेरी मच, सो वी आर ऑडिबल नाउ, वी कैन स्टार्ट। सो आज का जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाला है, जिसमें वी आर गोइंग टू सी वॉट इज सी ओ पी डी। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ले जब एनलिस्ट करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब हम निकालते हैं, तो सी ओ पी डी एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि सबसे पहले लिखा जाता है, या फिर अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो सीओपीडी एक ऐसा टॉपिक है, सीओपीडी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि डेफिनेटली इसके बारे में एक क्वेश्चन होता ही है। तो चाहे वो कॉजेस के बारे में हो, चाहे वो ट्रीटमेंट के बारे में हो, चाहे वो पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हो,
कोई भी किसी भी रिगार्डिंग ये क्वेश्चन हो सकता है, बट सीओपीडी पे हमेशा आप देखिए, नॉर्सेट हो सीएचओ हो, यू विल सी कि इसके रिलेटेड, क्योंकि सीओपीडी में काफी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेजर डिसऑर्डर्स डिसीजेस कवर होते हैं, मेजर साइंस और सिम्टम्स कवर होते हैं, सो दैट इज द रीजन वाई सीओपीडी या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज इज इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्सेट एग्जाम एंड सीएचओ। लेट्स सी व्हाट इज सीओपीडी। सीओपीडी क्या है? जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, इट इज क्रोनिक, इट इज ऑब्स्ट्रक्टिव एंड इट इज प्रोग्रेसिव, मतलब काफी दिनों से, काफी महीनों से इट प्रोग्रेसेस, मतलब कम जो सीवियरिटी है डिसऑर्डर की, इट कीप्स ऑन प्रोग्रेसिंग, इट गोज ऑन बिकमिंग सीवियर एंड सीवियर एंड सीवियर, सो इट इज क्रोनिक प्रोग्रेसिव ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज विच इज कैरेक्टराइज बाय ब्रेथलेसनेस, जिसे हम डिस्निया कहते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, या फिर ब्रेथलेसनेस जिसे हम डिस्निया कहते हैं। बट यहाँ पर सीओपीडी में क्या होता है कि सांस लेने में नहीं, बट वेन एवर यू आर एक्सपायरेटिंग, जब आप एक्सपिरेशन कर रहे हो उस टाइम पे, एक्सपिरेशन में जैसे कि दो प्रोसेस होते हैं, हमने फर्स्ट क्लास में ही सीखा है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो जो एक्सपिरेशन की प्रक्रिया है, एक्सपिरेशन का जो प्रोसेस है, एक्सपिरेशन का जो स्टेप है, वहां पर देर इज डिफिकल्टी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। सो सीओपीडी एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज है, जिसमें यू विल सी ब्रेथलेसनेस। अब एग्जैक्टली इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ब्रेथलेसनेस होता है, क्यों मतलब जब एक्सपायरेशन कर रहे हो, जब आप एक्सपायर करते हो तो उसमें CO2 आप बाहर एक्सहेल करते हो, तो व्हाट इज द रीजन कि देर इज डिफिकल्टी, व्हाट इज द रीजन कि CO2 बाहर नहीं जा रहा है, या एंड उसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो वो हम इन डिटेल अगर देखें तो सीओपीडी में या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में दो चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो कि आपको देखने को मिलेगा, दैट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जो ब्रोंकाइज होते हैं, हमने देखा स्ट्रक्चर, ट्रकिया आगे जाके बायफर्गेट होता है, तो जो ब्रोंकाय है, ये जो दो ब्रोंका है, इनमें इन्फ्लामेशन होता है, इन ब्रोंकाइज में देर इज इन्फ्लामेशन। सेकेंड थिंग एम्फाइसिमा। तो एम्फाइसिमा में क्या है, एम्फाइसिमा ऐसी कंडीशन है जो कि आपका अल्वियोला है, मान के चलो ये एक अल्वियोलर सैक है, तो ये जो अल्वियोला है, इसकी जो रिकॉइलिंग कैपेसिटी होती है, जैसे कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन है, CO2 है, अगर यहाँ पर रेस्पिरेशन हो रहा है, तो यहाँ से बाहर जाना, अगर गैस अंदर आ रही है तो उसको बाहर जाने का दैट अल्वियोला फेल्स, वो नहीं कर पाता, आ रहा है फिर बाहर, वो इट इज नॉट, इट फेल्स, तो दैट इज व्हाट वी से लॉस ऑफ रिकॉइलिंग कैपेसिटी। सो इस पूरे कंडीशन, जो कंडीशन अराइज होती है, उसे हम एम्फाइसिमा कहते हैं। तो सीओपीडी में मेनली यू विल सी ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसिमा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन वेरी रेयर केसेस में आपको देखने को मिलेगा रिफ्रैक्टरी अस्थमा एंड ब्रोंकियेक्टेसिस। ब्रोंकियेक्टेसिस मतलब क्या, कि पूरा जो ब्रोंकियल ट्री है, पूरा जो ब्रोंका है, ब्रोंकियोल्स है, अल्वियोला है, इट बिकम्स वाइटन, व्हाइट कलर होता है या फिर व्हाइटनिंग होती है। सो सीओपीडी में क्या है, इट इंक्लूड्स, एक तो दो चीजें आपको देखने को मिलेगी, ब्रोंकाइटिस, देर इज इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन इन द ब्रोंकाय, सेकेंड थिंग एल्वियोलाई का जो रिकॉलिंग कैपेसिटी है, इट लूजेस इट्स रिकॉलिंग कैपेसिटी, मतलब एम्फाइसिमा अराइज होता है, जो कि मोस्टली कॉमन सीओपीडी कंडीशन में। अब इसमें सेपरेट नहीं रखा जाता क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से फिर एम्फाइसिमा, इट इज कंसिडर एज सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर या फिर डिसीज, एंड रेयरली विल सी रिफ्रैक्टरी अस्थमा या फिर ब्रोंकियेक्टेसिस। अब हम इसको अगर कैरेक्टराइज करें तो इसके सीओपीडी व्हाट कैरेक्टर्स इट शोज, या फिर सीओपीडी हम कैसे कैसे मान ले इट इज सीओपीडी, तो मेनली यू विल सी देर इज ब्लॉकेज ऑफ एयरवे। तो ये जो अगर एयरवे है, यू विल सी देर इज ब्लॉकेज, तो जो एयरवे या फिर एयर जो जो मेम्ब्रेन है, वहां पर यू विल सी थिकनिंग, क्योंकि एल्वेलाई के जो रिकॉइलिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो रही है, एंड देन देर आर वेरियस अदर इटियोलॉजिकल कॉजेस, जिसमें यू विल सी, चाहे फिर वो स्मोकिंग हो, फ्यूम्स इनहेल करना हो, तो उसके कारण क्या होता है, इन एल्वेलाई में एयर जो है वहां पर ट्रैप होता है, एयर वहां पर ट्रैप होता है, जिसके कारण अगेन देर इज
ऑलरेडी वो एयरवे जो है वो उसमें एयरवे इज ऑब्स्ट्रक्टेड, तो दैट इज द रीजन व्हाई कि एयरवे तो ब्लॉक हो रहा है, देन अगेन अल्वियोलाई में एयर ट्रैप हो रहा है, इनहेलेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन का एक जो प्रोसेस है इनहेलेशन हो रहा है, बट इट इज नॉट लंग, या फिर जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉट एबल टू एक्सेल द लंग आउट, एक्सेल द एयर आउट, सो दिस इज द कंडीशन। तो जैसे हमने देखा ब्लॉकेज हो रहा है एयर वे का, एयर टैपिंग भी है, एंड जिसको हम कहते हैं या फिर जिसके कारण एम्फाइसिमा आपको देखने को मिलेगा। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीओपीडी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसिमा, ये आपको देखने को मिलते हैं सीओपीडी में, ये दो कंडीशंस, एंड इन वेरी रेयर केस अस्थमा या फिर ब्रोंकेक्टेसिस जिसमें यू विल सी ब्रोंकियल ट्री बिकम्स व्हाइट। बट इफ द कैरेक्टर्स इफ यू सी, तो ब्लॉकेज रहेगा एयरवे में, ब्रीदिंग जो प्रोसेस है या फिर ब्रीदिंग प्रोसेस में इनहेलेशन नॉर्मली रहेगा, बट एक्सहेलेशन प्रॉब्लम रहेगा, डिस्निया इन द एक्सपिरेशन, एंड द एयर जो एयर है वो अल्वियोलाई में ट्रैप होती है, वो बाहर नहीं जाती है क्योंकि देर इज थिकनिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, जो ल्यूमेन है वहां पर थिकनिंग रहेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन वहां पर आके इकट्ठा रहेगा, जिसके कारण जो एयर वे है वो ब्लॉक होता है, एंड दैट कंडीशन गिव्स अराइजेस टू एम्फाइसिमा। सो इन शॉर्ट सीओपीडी मतलब क्या है कि इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, जो एल्वियोला है वहां पर काफी एयर इकट्ठा होता है जिसके कारण CO2 ज्यादा बढ़ता है, फिर उसके बाद काफी आगे हम देखने वाले कॉजेस और सिम्टम्स, बट एयर बाहर नहीं जा रहा है, एयर अंदर आता है बट इट्स नॉट एबल टू एक्सपेल आउट, एक्सेल आउट, सो दिस इज सीओपीडी इन सिंपल लैंग्वेज। नाउ इफ यू सी व्हाट आर द कॉजेस, एग्जैक्ट कॉजेस, मेन कॉज, तो इसमें अगर हम कॉजेस देखें तो सबसे पहले देर इज इनहेलिंग पोल्यूटेंट्स, तो पोल्यूटेंट्स में बिनो डस्ट है, कुछ डस्ट के इफ इफ यू इनहेल सम डस्ट, स्मोक, फ्यूम्स, केमिकल्स, फ्यूम्स लाइक डाइज हो, केमिकल फ्यूम्स हो, तो वो अगर इनहेल किए जाते हैं, एंड इफ इट इज इनहेल एंड इफ गोड्स एंड सेटल्स इन योर लंग्स, फिर वो एल्वियोलाई में सेटल हो जाते हैं, तो दैट कैन बी द रीजन जिसके कारण आपको सीओपीडी जैसी कंडीशन जिसमें यू विल सी ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसिमा या फिर अस्थमा या फिर ब्रोंकियेक्टेसिस, ये कंडीशन अराइज हो सकती है। मेन और सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट या फिर मेजर कंट्रीब्यूटिंग जो कॉज है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग के कारण मोस्टली, अब यहाँ पर एक्टिव हो या फिर पैसिव हो, तो दोनों भी स्मोकिंग, दोनों भी रीजंस है फॉर सीओपीडी। सो स्मोकिंग के कारण सीओपीडी कॉज हो सकता है, स्मोकिंग कैन बी द रीजन या फिर द कॉज फॉर सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी। वहीं पर अगर हम देखें तो ऑक्यूपेशनल कॉजेस भी हो सकते हैं, लाइक अगर कोई फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहा है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल फ्यूम्स है या फिर इंडस्ट्रियल स्मोक जो होता है, केमिकल्स हो, जिसमें दैट इंडिविजुअल्स वो इनहेल करते हैं गलती से, मिस्टेकनली स्मोक इनहेल कर लेते हैं जो कि हार्मफुल हो, केमिकल स्मोक हो, तो दैट इज अनदर इटियोलॉजी, दैट पर्सन इज एट दैट पर्सन ही और शी इज प्रोन टू डेवलप सीओपीडी, तो उनमें वो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्ट मतलब उनका एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो या फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस वो डिसऑर्डर हो सकता है, एंड ही और शी में सफर फ्रॉम सीओपीडी, जिसमें जो उनके ब्रोंका है उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एल्वियोलाई जो है वहां पर उनका जो ल्यूमेन है एल्वियोलाइज का या फिर ब्रोंकाई का, तो वहां पर द म्यूकस में म्यूकस जो है वो थीकन हो सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो थीकन हो सकता है, जिसके कारण एयर वे है वो ऑब्स्ट्रक्ट रहेगा, और जितना ऑक्सीजन मतलब जितना एयर अंदर आ रही है तो जो एल्वियोला है वो कोलैप्स हो जाता है, या फिर इट्स रिकॉइलिंग कैपेसिटी एंड्स, तो जिसके कारण एयर फिर से बाहर। सो दिस इज द थर्ड कॉज, दैट इज ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट इज जेनेटिक या फिर हेरिडिटी। तो एम्फाइसिमा की अगर हम बात करें तो वो जेनेटिक हो सकता है या फिर हेरिडिटी के कारण एम्फाइसिमा हो सकता है, एम्फाइसिमा कैन बी देयर, तो जो कि ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन के डिफिशियंसी के कारण भी एम्फाइसिमा हो सकता है, सो दैट इज अनदर कॉज। उसके बाद ओल्ड एज पीपल में आपको ये सीओपीडी देखने को मिलेगा। सो कॉजेस की अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है इनहेलिंग सम पोल्यूटेंट्स,
तो चाहे डस्ट हो, स्मोक हो, फ्यूम्स हो, केमिकल्स हो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज या फिर कॉमन कॉज जो है वो है स्मोकिंग। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशनल कॉजेस लाइक कोल माइंस में काम कर रहे हैं, कुछ माइंस में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो ऐसा ऑक्यूपेशन है, ऐसा वर्क वर्क एरिया पे इफ दैट पर्सन इज वर्किंग जहाँ पर ही और शी गेट्स इन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद हार्मफुल स्मोक्स, हार्मफुल लाइक व्हाट वी से केमिकल्स, हार्मफुल फ्यूम्स, तो जिसके कारण हिज रेस्पिरेटरी और हर रेस्पिरेटरी सिस्टम में गेट इन्फेक्टेड। तो वो भी एक कॉज है ऑफ डेवलपिंग सीओपीडी। नेक्स्ट जेनेटिक या फिर हेरिडिटी एम्फाइसिमा विच इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा वन एंड एंटी ट्रिप्सिन, उसके बाद ओल्ड एज, तो दैट इज अनदर कॉज। वहीं पर अगर हम देखें सिम्टम्स, तो मेनली हमने देखा है कि सीओपीडी में दो चीजें हैं विच इज प्रोमिनेंट सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज ब्रोंकाइटिस, जो ब्रोंका है तो उसमें यू विल सी कि इन्फ्लेमेशन है, एंड नेक्स्ट इज एम्फाइसिमा। तो जो एल्वियोला है एम्फाइसिमा में हम क्या देखते हैं कि जो एयर अंदर आ रहा है वो बाहर नहीं जा पा रहा, क्योंकि इसका जो अब ये व्हाट विल हैपन, इट इज ड्यू टू बिकॉज इनकी जो रिकॉइलिंग कैपेसिटी है वो खत्म होती है, तो ये आपको इस प्रकार से सूजा मतलब लाइक स्वेल्ड या फिर एडिमा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सी नाउ इफ वी सी द सिम्टम्स ब्रोंकाइटिस के, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के, तो यू विल सी कि हाइपर, अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो यू विल सी हाइपर कैपनिया, अगेन हम देख रहे हैं ओ टू अंदर आ रहा है, ओ टू इज इनहेल्ड बट सीओ टू इज नॉट एक्सहेल्ड, तो वो पॉसिबिलिटी या फिर वो दैट इज द रीजन वाई कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब ओ टू अगर ज्यादा है तो यहाँ पर विद द कॉन्ट्रेरी सीओ टू कम है, ओ टू ज्यादा है, तो आगे जाके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहेगी, इसमें यू विल सी हीमोग्लोबिन भी बढ़ सकता है, तो उसके कारण क्या है वो हम आगे देखेंगे इन इम्फाइसिमा। बट सीओ टू यहाँ पर बढ़ रहा है जिसके कारण उसको टैकल आउट करने के लिए है, या फिर उसका एक्शन रिएक्शन यू विल सी कि हाइपर वेंटिलेशन, मतलब रैपिड ब्रीदिंग होगी यहाँ पर, रैपिड, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल स्ट्राइव हार्ड, वो ज्यादा ट्राई करेगा कि किसी तरह, या फिर द लंग द सिस्टम विल ट्राई इट्स बेस्ट कि जो सीओ टू है वो बाहर जाए, जो प्रोसेस है पूरा नॉर्मल हो, तो दैट इज हाइपर वेंटिलेशन। एंड यू विल सी बिकॉज द एयरवे इज ब्लॉक्ड, एयरवे ब्लॉक्ड है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ब्रेथलेसनेस देखने को मिलेगा जिसके कारण जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, अगर म्यूकस मेम्ब्रेन है यहाँ पर थिकनिंग हो रहा है, म्यूकस स्प्रेड हो रहा है, तो जब ब्रीथ कर रहे हैं वहां पर यू विल सी व्हीजिंग साउंड। एंड इसमें क्या है, इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस यू में सी ब्लू ब्लोटर या फिर साइनोसिस, तो ये भी देखने को मिल सकता है, जिसे हम कहते हैं ब्लू ब्लोटर, तो ये एक साइन है, ब्लू ब्लोटर साइन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, तो ब्रोंकाइटिस को आइडेंटिफाई करना है तो ब्लू ब्लोटर इज द साइन जिसके ऊपर हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या फिर ब्रोंकाइटिस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शॉर्ट ब्रेथ, जो ब्रेथ्स रहेंगे शॉर्टर ब्रेथ्स रहेंगे, लॉन्ग ब्रेथ्स नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद टैकीकार्डिया, क्योंकि मूवमेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा स्ट्राइव कर रहे हैं, ज्यादा ट्राई कर रहे हैं टू ब्रीद इन टू ब्रीद आउट टू इनहेल टू एक्सहेल, तो दैट इज द रीजन व्हाई यू विल सी टैकीकार्डिया। उसके बाद चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन इज अनदर सिम्टम विच इज सीन। फिर उसके बाद वेट लॉस, सो दीज आर फ्यू सिम्टम्स, ये कुछ सिम्टम्स है जो कि आप देखोगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। सीओपीडी में दो मेजर सिम्टम्स है, एक है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरा है एम्फाइसिमा। इफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज डिटेक्टेड तो हाइपर कैपनिया, हाइपर वेंटिलेशन, ब्रेथलेसनेस, व्हीजिंग, साइनोसिस, शॉर्ट ब्रेथ, टकीकार्डिया, चेस्ट पेन एंड वेट लॉस आर द सिम्टम्स दैट आर सीन। वहीं पर अगर हम देखें तो एम्फाइसिमा है, इफ एम्फाइसिमा इज प्रेजेंट या फिर एम्फाइसिमा इज डिटेक्टेड तो दैट पेशेंट, उनमें यू विल सी बैरल चेस्ट, नॉर्मल जो चेस्ट होता है वो पीछे होता है या फिर एब्डोमेन के, राइट, तो इसमें यू विल सी कि चेस्ट या फिर जो चेस्ट का स्ट्रक्चर है या फिर शेप है वो एबनॉर्मल रह जाएगा, वो पूरा सेम रहेगा। अगर बॉडी के स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो नॉर्मली वो पूरा 1:2 रेशियो में रहता है, राइट, चेस्ट एंड वो, तो इन बैरल चेस्ट मतलब क्या, यू विल सी वो पूरा सेम हो रहा है, सो दैट क्योंकि अब क्या है, ये जैसे हमने देखा ना कि
कि अल्वियोला है, ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, एयर अंदर जा रहा है, फिल हो रहा है, ये बढ़ता रहेगा, स्वेल होता रहेगा। तो जिसके कारण अगेन हमने देखा है कि फर्स्ट लीप ब्रीदिंग या फिर ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं। तो क्योंकि ये क्रोनिक प्रोसेस है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो इन पेशेंट्स में यू विल सी जो शोल्डर्स होते हैं वो थोड़े अपवर्ड लिफ्टेड रहेंगे, अपवर्ड लिफ्टेड शोल्डर रहेंगे, एंड यू मे सी दैट उसको हम रिब डिसलोकेशन भी, मतलब दैट कैन ऑल्सो बी द रीजन, रिब डिसलोकेशन। तो द शोल्डर्स आर अपवर्ड लिफ्टेड, लिफ्टेड अपवर्ड की लाइक यू विल सी थोड़ा अपवर्ड लिफ्टेड है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज अनदर सेकेंड सिम्टम। नेक्स्ट इफ यू सी द रिब डिसलोकेशन, उसके बाद यू विल सी चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट टाइटनेस ये एक सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। देन एयर ट्रैपिंग इज, ये तो फिर कॉमन या फिर मेजर है कि ये ही होता है, इसमें एयर आ रहा है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर द ऑर्गन्स आर नॉट एबल टू एक्सहेल आउट द CO2 या फिर द एयर। तो एयर क्या है, अंदर ही ट्रैप हो रहा है, अंदर ट्रैप होने के कारण ये जो एल्वियोला है और बढ़ता जा रहा है, इट्स रिकॉलिंग कैपेसिटी इज एंटायरली लॉस्ट। तो ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इसके कारण जो चेस्ट का शेप है वो चेंज होगा। ऑब्वियसली वहां पर चेस्ट पेन रहेगा, अगर स्वेलिंग है तो चेस्ट पेन रहेगा, या फिर चेस्ट टाइटनेस आपको देखने को मिलेगा। एक्सपिरेटरी डिस्निया इज ऑब्जर्व, नॉट एबल टू ब्रीद वेल, डिफिकल्टी इन एक्सपायरिंग द एयर। उसके बाद पिंक पफर साइन, तो मैंने ये आपको कहा था पिंक पफर साइन, तो ये साइन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या इम्प्रूव है, या फिर ऑक्सीजन ज्यादा है, या फिर ऑक्सीजन मतलब वो एयर ट्रैप्ड हो रहा है, तो जिसमें हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, तो अगर हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है तो पिंक पफर स्किन देखने को मिलेगी, या फिर पिंक कलर, पिंकिश दैट पर्सन आपको वो देखने को मिलेगा, जिसमें जिसको हम कहते हैं पिंक पफर साइन। तो एम्फाइसीमा को डिटेक्ट करने के लिए आप पिंक पफर साइन देखोगे। क्या भी आवाज क्लियर है? इज द वॉइस क्लियर नाउ? सो यू विल सी पिंक पफर साइज इन एम्फाइसिमा। तो ये आप, या मतलब आप ये याद करिए, ब्लू ब्लोटर साइन ब्रोंकाइटिस में, एम्फाइसिमा में पिंक पफर साइन आपको देखने को मिले। अब एम्फाइसिमा में क्या होता है कि नॉर्मल जो मसल्स है फॉर एयर वे, फॉर ब्रीदिंग, तो वो मसल्स यूज ही हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, एक्सपिरेटरी डिस्निया है, तो जो एसेसरी मसल्स है ना ब्रीदिंग के लिए वो भी यूज किए जाएंगे। तो एसेसरी मसल्स का भी यहाँ पर यूज होगा, क्यों? क्योंकि फोर्स लगाने में ब्रीदिंग जो डिफिकल्टी हो रहे हैं उसको ओवरकम करने के लिए, उसको टैकल आउट करने के लिए, वो ओवरकम हो जाए, ब्रीदिंग डिफिकल्टी ना हो, तो दैट इज द रीजन वाई एयर जो एसेसरी मसल्स है इट विल बी यूज। एंड देन इन पेशेंट्स में यू विल सी वो फॉरवर्ड लीन रहेगी, उनकी पोस्चर जो है वो फॉरवर्ड लीन रहेगी। ऑलरेडी हमने देखा है कि शोल्डर जो है वो अपवर्ड लिफ्टेड रहेगा, एंड सिमिलरली द एंड रिजल्ट की जो लीन, उनकी जो पोस्चर है उन पेशेंट्स की थोड़ी फॉरवर्ड लीनिंग रहेगी। तो दैट इज वॉट आर द सिम्टम्स सीन इन पाइसिमा। तो सीओपीडी में मेनली दो सिम्टम्स है जो कि हमने देखे हैं, एक तो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड सेकेंड इज एम्फाइसिमा। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, देर इज इन्फेक्शन, देर इज इन्फ्लामेशन, आगे हम देखने वाले हैं इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी। तो इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, जो CO2 का लेवल है वो बढ़ रहा है, सेचुरेशन जो है CO2 का वो बढ़ रहा है, और O2 का जो सेचुरेशन वो घट रहा है, तो जिसके कारण यू विल सी हाइपर कैपनिया, CO2 ज्यादा है, उसको या फिर उसको फाइट करने के लिए, उस प्रोसेस को टैकल आउट करने के लिए यू विल सी हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन मतलब ज्यादा ब्रीदिंग, रैपिड ब्रीदिंग, एंड सेम यू विल सी ब्रेथलेसनेस, व्हीजिंग साउंड्स देखने को मिलते हैं, साइनोसिस जो कि ब्लू ब्लोटर साइन है, शॉर्ट ब्रीथ, टकीकार्डिया, चेस्ट पेन एंड वेट लॉस आर द साइंस या फिर सिम्टम्स इन ब्रोंकाइटिस। सिमिलरली एम्फाइसिमा में आप देखोगे बैरल चेस्ट, चेस्ट साइज कंप्लीटली चेंज होता है, एबनॉर्मल चेस्ट साइज, चेस्ट शेप,
उसके बाद अपवर्ड शोल्डर लिफ्टेड, अपवर्ड लिफ्टेड शोल्डर देखने को मिलेगा, रिब डिसलोकेशन है, चेस्ट टाइटनेस, एयर ट्रैपिंग, एयर अंदर ट्रैप हो रहा है एल्वियोलाइज के, फिर उसके बाद एक्सपिरेटरी डिस्निया, जब एक्सपिरेशन कर रहे हैं, जब एक्सपिरेशन कर रहे हैं या फिर एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे डिफिकल्टी है ब्रीदिंग में। उसके बाद पिंक पफर साइन, एचबी लेवल बढ़ रहा है तो यू विल सी पिंक पफर साइज, ये एक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइंस कौन से है, पिंक पफर साइन इज यूज टू डिटेक्ट, या फिर पिंक पफर साइन डिटेक्ट्स व्हाट, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिए। उसके बाद साइनोसिस या फिर ब्लू ब्लोटर साइन डिटेक्ट्स व्हाट, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू ब्लोटर साइन इंडिकेट्स ब्रोंकाइटिस एंड पिंक पफर साइन डिकेट्स पाइसिमा, इसको इस फॉर्मूले को याद कर लो। इंपॉर्टेंट ब्लू ब्लोटर साइन मतलब ब्रोंकाइटिस है, पिंक पफर साइन मतलब ओके। एंड देन उसके बाद आप देखोगे क्योंकि देर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिस्निया है तो एसेसरी मसल्स का भी यूज किया जाएगा टू फॉर द रेस्पिरेशन ब्रीदिंग प्रोसेस एंड देन फॉरवर्ड लीनिंग प्रोसेस पोस्चर आपको देखने को मिलता है। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, द एग्जैक्टली सीओपीडी क्या क्या प्रोसेस है या फिर कैसे अराइज हो रही है। अभी क्या है जो कि जो भी इटियोलॉजिकल कॉजेस हमने देखे हैं, जो भी इटियोलॉजिकल कॉजेस हमने पढ़े हैं पहले, तो चाहे फिर इनहेलिंग हो, स्मोक स्मोक इनहेल किया जाए या फिर फ्यूम्स इनहेल होते हैं, फिर केमिकल्स इनहेल हो रहे हैं, स्मोक इनहेल हो रहा है, स्मोकिंग है, ऑक्यूपेशनल कॉजेस है, जेनेटिक है, हेरिडिटरी है, तो या फिर ओल्ड एज पर्सन है, तो इनमें से अगर कोई भी कारण है, तो अगर इनमें से है कि लाइक तो उनके कारण फर्स्ट थिंग हमने देखा है कि दो चीजें यहाँ पर होती है, दो कंडीशंस, दो कैरेक्टरिस्टिक्स के, एक तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है एंड दूसरा है एम्फाइसिमा। तो इन फर्स्ट कंडीशन अगर एयरवे इरिटेशन है, एयरवे इन्फ्लामेशन है या फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो पहला तो एयरवे इंस्ट्रक्शन या फिर एयर इन्फ्लामेशन के कारण जो कि आपका एयरवे है, एयरवे ट्रैक्ट है, वहां पर यू विल सी म्यूकस हाइपर सिक्रीशन या फिर हाइपर ज्यादा वहां पर सिक्रेट हो रहा है या फिर थिकनिंग हो रही है, तो उसमें उसके कारण यू विल सी एडिमा, म्यूकस ज्यादा प्रेजेंट हो रहा है अगर ये एयरवे है, ये एयरवे है और इतना स्पेस चाहिए फॉर द एयर टू कम इन एंड गो आउट, लेकिन इन दिस व्हाट यू विल सी देयर इज इन्फ्लामेशन जिसमें म्यूकर हाइपर सीक्रेट हो रहा है, म्यूकस हाइपर सीक्रेट हो रहा है, तो यहाँ पर अगर म्यूकस है, इतना लेयर था और ये म्यूकस यहाँ पर है, तो सी यहाँ से अब जगह कितनी नैरो हो रही है, तो इसके कारण म्यूकस अगर हाइपर सीक्रेट हो रहा है तो एक तो स्वेलिंग है, एडिमा है, तो जिसके कारण जो ये एयरवे है वो काफी छोटा हो रहा है एज कंपेयर टू नॉर्मल, नॉर्मल जो एयरवे है वो इतना था, राइट, फॉर एग्जाम्पल वो इतना था, अभी इसके कारण वो इतना हो, मतलब जो एयरवे है, जो पैसेज है वो नॉर्मल हो रहा है। अगर एयरवे नैरो हो रहा है या फिर कम हो रहा है तो विच इज इन टर्न हम कह सकते हैं कि इट इज ऑब्स्ट्रक्शन, विच कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन एयरवे पैसेज में, चाहे वो इनहेलेशन हो, इनहेलेशन तो यहाँ पर हो रहा है बट एक्सहेलेशन में मोस्टली ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा है, और ऑब्स्ट्रक्शन के साथ मे लीड टू फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस हम जिसे कहते हैं, या फिर फाइब्रोसिस आपको देखने को मिलेगा, एंड विच लीड्स टू डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जब एक्सेल आउट करते हैं, फिर इंस्पिरेशन में ऑक्सीजन तो आता है और जब एक्सेल आउट करने का टाइम आता है तो वो नहीं हो पाता। उसके बाद अब इसका देखो O2 आया है, O2 यूटिलाइज होगा बट CO2 आया है वो तो वेस्ट है, वो यूटिलाइज कहाँ करेंगे, उसको बाहर फेंकना है बट वो भी वही रहता है के अल्वियोलाइज में, राइट। तो अगर O2 चलो वो हो गया बट CO2 का क्या करें, राइट। तो इस कंडीशन के कारण ड्यू टू क्रोनिक डिस्निया यू विल सी जो SpO2 है मतलब जो सैचुरेशन है ऑक्सीजन का वो डिक्रीज हो रहा है, एंड क्योंकि ये इसलिए क्योंकि CO2 का जो सेचुरेशन है वो बढ़ रहा है,
इनमें यू विल सी अगर CO2 बढ़ रहा है तो O2 कम होना है, या फिर O2 बढ़ रहा है तो CO2 कम। तो दिस इज व्हाट वी कॉल क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। पहले तो एयरवे इरिटेशन है, उसके कारण यू विल सी इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन है, इरिटेशन है, उसके कारण क्या है, जो एयरवे ट्रैक्ट है वहां पर हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, जिसके कारण जो एयरवे ट्रैक्ट है वो छोटा होता है, नैरो होता है। एंड दैट नैरोइंग ऑफ एयरवे ट्रैक या फिर नैरोइंग ऑफ एयरवे इज व्हाट इज नथिंग नन अदर देन इट इज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन विच इज एसोसिएटेड विथ फाइब्रोसिस। और इसके कारण जो एक्सपिरेटरी या फिर जो ब्रीदिंग रेट है उसमें डिफिकल्टी रहेगी, ब्रीदिंग प्रोसेस में डिफिकल्टी रहेगी, विच लीड्स टू डिक्रीज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो कम रहेगा, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेशन है वो ज्यादा रहेगा। दिस लीड्स टू द कंडीशन जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो ये एक इटियोलॉजी है, ब्रोंकाइटिस कैसे डेवलप होता है। एंड सेकेंड थिंग, अगर जैसे हमने कॉजेस देखा इटियोलॉजिकल कॉज की, α1 एंटीट्रिप्सिन डिक्रीज है या फिर डिफिशियंसी है, तो ड्यू टू अब क्या है, इट इनहिबिट्स द इलास्टेस, जो प्रोटियोलाइसिस प्रोसेस है उसके कारण, प्रोटियोलाइसिस प्रोसेस के कारण या फिर प्रोटियोलाइसिस के कारण जो एल्वियोलाई की रिकॉइलिंग कैपेसिटी है, अगर ये एल्वियोला है तो इसकी रिकॉइलिंग कैपेसिटी है, जो स्ट्रक्चर है उसको फिर से वहीं पर आना, तो वो कैपेसिटी लूज होता है, वो कैपेसिटी वो लॉस करता है, कौन, एल्वियोलाई। तो अगर एल्वियोलाई रिकॉलिंग कैपेसिटी लॉस लॉस होती है तो क्या होगा, मान के चलो ये एल्वियोला है, नहीं रहा लेकिन मान के चलो, तो इसमें एयर आ रहा है, एयर आ रहा है, एयर आ रहा है, स्टोर हो रहा है, एयर आ रहा है, स्टोर हो रहा है, लेकिन इसका काम क्या है कि बाहर भी एयर जो जो लग रहा है वो लीजिए, और जो नहीं चाहिए वो बाहर फेंक दीजिए, वो नहीं हो रहा है। तो अगर वो बाहर नहीं फेंक रहा है तो यहीं पे स्टोर हो रहा है, तो बढ़ता चलता है, बढ़ता चलता है, बढ़ता चलता है, तो द साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, जिसके कारण यू विल सी देयर इज स्वेलिंग चेस्ट में। और अगर ये बढ़ रहा है तो एयर वहां पर ट्रैप हो रहा है, राइट। तो एनलार्जमेंट एंड डैमेज, एनलार्जमेंट एंड डैमेज टू द अल्वियोलाई, तो अल्वियोलाई का एनलार्जमेंट हो ही रहा है, उसके साथ इट विल बी डैमेज, वो डैमेज रहेगा। वाई, ड्यू टू एयर ट्रैपिंग, एंड इसके कारण यू विल सी देयर इज अबनॉर्मल चेस्ट शेप, जिसमें यू विल सी टू साइंस, बली एंड ब्लेप्स या फिर पिंक पफर साइन। तो ये आपको रेडियोग्राम पे रेडियोग्राफी करने पे आपको समझ में आता है, एंड पिंक पफर साइन जिसे हम कहते हैं। फिर से एक बार बताऊंगा, इन शॉर्ट अगर हमने कई कॉजेस देखे जिसमें मतलब जो α1 एंटीट्रिप्सिन है, तो अगर उसका डिफिशियंसी है, इफ इट इज डिक्रीज, तो इट इनहिबिट्स या फिर इनहिबिट इलास्टेस, जो कि प्रोटियोलाइसिस प्रोसेस के कारण जो एल्वियोलाई का रिकॉलिंग कैपेसिटी है वो खत्म होती है। इसके कारण एल्वियोलाई जो है एयर को बाहर नहीं छोड़ पा रहा है, एयर वहीं पर ट्रैप हो रहा है। अगर एयर ट्रैप हो रहा है किसी भी एक कंटेनर में, तो वो बढ़ता चलेगा, स्वेलिंग बढ़ जाएगी, एडिमा बढ़ता रहेगा, जिसके कारण जो चेस्ट का शेप है वो एबनॉर्मल होगा, जो कि नॉर्मल होना चाहिए। दैट लीड्स टू पिंक पफर साइन, जिसे हम कहते हैं एम्फाइसिमा। सो दिस इज इटियोलॉजी। दो चीजें आपको है, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, और अगर एम्फाइसिमा है तो इसे हम कहते हैं CO, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी। सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ। नेक्स्ट, इफ यू सी डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन, अब डायग्नोस कैसे करोगे, डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा, या फिर कैसे करना पड़ेगा, या फिर कैसे करना चाहिए। मैंने पिछले क्लासेस में दो तीनों क्लास दो लास्ट जो दो तीन क्लास थे उसमें मैंने कहा है कि अगर आप किसी भी डिसऑर्डर का डायग्नोस कर रहे हो, तो उसमें ये दो चीजें पहले आएगी, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में तो फिर जैसे आप इंस्पेक्शन करोगे, आप पाल्पेशन करोगे, आप ऑस्कल्टेशन करोगे, आप परकशन करोगे, आप मैनिपुलेशन करोगे, तो ये इसके थ्रू आपको आइदर विजिंग साउंड है, ऑस्कल्टेशन के थ्रू विजिंग साउंड है, कुछ साउंड आ रहा है एयर वे में, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसा साउंड विच इंडिकेट्स कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, वो समझ में आएगा। उसके बाद आप हिस्ट्री लोगे, इफ इज देयर एनीथिंग रिलेटेड टू जीन्स, या फिर कुछ जेनेटिक कॉज है,
पास्ट हिस्ट्री हो, फिर प्रेजेंट हिस्ट्री हो, पास्ट हिस्ट्री में फिर मेडिकल हिस्ट्री हो, सर्जिकल हिस्ट्री हो, प्रेजेंट में मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री हो, साइको सोशल हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री आप यहाँ पर कलेक्ट करते हो। फिर इसमें इसमें भी यू विल सी कि जनरल अपियरेंस कैसा है, बॉडी बिल्ड कैसा है, नरिशमेंट कैसा है, उसके अलावा फिर आप जो वाइटल्स है वाइटल्स चेक करते हो, जिसके बेसिस पर आपको एक एक बेस मिलता है, एक डिपेंडेंसी मिलती है टू डायग्नोस दैट पर्टिकुलर पेशेंट विथ सम ऑफ द डिसीज अकॉर्डिंग टू द साइन और अकॉर्डिंग टू द इवेल्युएशन, जो भी आप एग्जामिनेशन के बाद आप कर रहे हो या फिर जो भी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके बेसिस पर। इसके बाद चेस्ट एक्सरे है, चेस्ट एक्सरे में फिर यू विल सी देर इज इफ देर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन और नॉट। उसके बाद सीटी स्कैन में ये पूरा अच्छे से देखने को मिलेगा। स्पायरोमेट्री कैन बी डन। फिर रेड इंडेक्स है, जिसमें जो कि टू डिटेक्ट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इसमें आप देखोगे कि म्यूकस प्रोड्यूसिंग लेयर है उसका थिकनेस, और जो ब्रोंकियल से उसका थिकनेस चेक करने के लिए रेड इंडेक्स यूज किया जाता है। सो ऑन दैट बेसिस यू विल डायग्नोस क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो दीज आर डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन करने के लिए ये स्टेप्स है, या फिर ये डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स है जो आप फॉलो करोगे टू डायग्नोस सीओपीडी। तो कॉमनली और बेसिक जो है वो कि फिजिकल एग्जामिनेशन है एंड उसके बाद हिस्ट्री कलेक्शन। तो ये दोनों रैंडम साथ में आते हैं, साइमल्टेनियसली ये चलते रहेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन ले रहे हो, साथ ही में आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो उस पर्टिकुलर पेशेंट का। अकॉर्डिंगली उस बेसिस पर आप चेस्ट एक्सरे के लिए रूल आउट अदर कॉजेस, चेस्ट एक्सरे, सिटी स्कैन, स्पायरोमेट्री कर सकते हो। रेड इंडेक्स एक है टू इवेल्युएट वेदर इट्स क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, टू सी द थिकनेस ऑफ म्यूकस दैट जो कि लेयर्स में प्रोड्यूस हो रहा है एंड ब्रोंकियोल्स में जो थिकनेस है उसका, म्यूकस दैट कैन ऑल्सो डिटेक्टेड, वो भी समझ में टू रेड इंडेक्स। सो दिस आर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। लास्ट इज ट्रीटमेंट। आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे, हाउ इज सीओपीडी ट्रीटेड? तो यहाँ पर अब क्या है, ये नॉन काइंड ऑफ नॉन क्यूरेबल है, इसलिए अब प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट आप दोगे, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट प्रेफर करोगे। तो और उसके बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जिसमें आप एक 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 करके एक एक सिम्टम्स को रूल आउट करने की कोशिश करोगे, एक एक सिम्टम को आप क्योर करने की कोशिश करोगे। तो क्योंकि देर इज ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्रोंकियल डायलेशन करना जरूरी है, तो इन दैट कंडीशन आप ब्रोंको डायलेटर्स एडमिनिस्टर करते हो, जो बीटा टू या फिर बी टू एगोनिस्ट है, चाहे फॉर एग्जाम्पल साल्बुटामॉल हो तो दैट इज एडमिनिस्टर, जैंथिल्स कैन बी एडमिनिस्टर, एमिनोफिलिन है, एंटीकोलिनर्जिक्स है। सो दीज आर द बीटा ब्लॉक ब्रोंको डायलेटर्स दैट आर एडमिनिस्टर फॉर ट्रीटिंग सीओपीडी। उसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैन बी एडमिनिस्टर, जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोल है, तो ये एडमिनिस्टर किया जा सकता है। देन ऑक्सीजन इफ रिक्वायर्ड, अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो ही ऑक्सीजन देना चाहिए, अदरवाइज ऑक्सीजन ना भी दे तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये भी आई थिंक 2 लीटर्स के हिसाब से एडमिनिस्टर किया जा सकता है। तो ऑक्सीजन की भी लाइक अगर कोई नीड है, अगर इफ देर इज एनी नीड कि ऑक्सीजनेशन है, साइनोसिस आपको दिख रहा है, तो इन दैट कंडीशन ओनली ऑक्सीजन कैन बी एडमिनिस्टर, जो कि 2 लीटर पर मिनट के रिक्वायरमेंट से उस पर आप सेट करिए 2 लीटर पर मिनट, एंड उसी फ्लो पे ऑक्सीजन कैन बी एडमिनिस्टर। उसके बाद डायफ्रेग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो तो वो आप उनको टीच करोगे उस पेशेंट को। जैसे मैंने कहा कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, नॉन क्यूरेबल डिसऑर्डर है तो क्रोनिक नॉन क्यूरेबल डिसऑर्डर, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप दोगे। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है तो उसको उसको टैकल आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कैसी चीज़ें कर सकते हो, तो दैट इज वॉट एडमिनिस्टर, दैट इज वॉट एडवाइज। तो डायफ्रेग्मेटिक ब्रीदिंग, उसके बाद पोजिशनिंग, अब इसमें पोजिशनिंग पेशेंट की भी जरूरी है, तो किस प्रकार से आप पेशेंट को पोजिशन करोगे, तो ऑर्थोपनिया इज द पोजिशन, इस पोजिशन में आप पेशेंट को पोजिशन करोगे सिटिंग पोजिशन, जिसमें अच्छे से वो ब्रीथ कर पाए, दैट पेशेंट
कैन ब्रीथ वेल, किस तरीके से उसको पोजीशन करना है। एंड अगर लास्ट में हम देखें तो प्रिवेंशन, जस्ट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये हो ही ना, चाहे वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो या फिर एम्फाइसिमा हो, तो ये कंडीशन अराइज ही ना हो, ये ऑकर ही ना हो, इसलिए प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें पता है कि कॉज क्या है, तो उन कॉजेस को अवॉइड किया जाए। तो अवॉइडिंग स्मोकिंग, स्मोकिंग अवॉइड करो, चाहे वो पैसिव स्मोकिंग हो, एक्टिव स्मोकिंग हो, उसे कंप्लीटली अवॉइड ही कर लीजिए। उसके बाद डस्ट, लाइक यूजिंग मास्क एंड ऑल, तो दैट कैन बी डन। केमिकल्स में या फिर ऐसे फैक्ट्री या फिर ऐसे एरियाज में वर्क कर रहे हो जहाँ पर केमिकल्स के साथ, या फिर आपका यू गेट इन कॉन्टेक्ट विद केमिकल्स, या फिर आप केमिकल इनहेल कर सकते हो, तो वो अवॉइड करिए। एंड लास्ट, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैन बी अंडरटेकन, जिसमें आप फर्स्ट लिप ब्रीदिंग, फर्स्ट लिप फर्स्ट लिप ब्रीदिंग टेक्निक पेशेंट्स को सिखा सकते हो, जिसमें आप फोर्सफुल किस कैसे, मतलब जो लिप है उसको एक मिलाकर फोर्स लगाओगे और वो ब्रीदिंग करोगे, तो वो टेक्निक भी सिखाई जा सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में जैसे कि हमने देखा है कि आप ब्रोंकोडायलेटर्स देते हो, जिसमें B2 एगोनिस्ट है लाइक सालबुटामॉल, ज़ैंथिस देते हो लाइक एमिनोफिलिन, एंटीकोलिनर्जिक्स आप एडमिनिस्टर करोगे ट्रीटमेंट में, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप दोगे, एंड ऑक्सीजन थेरेपी या फिर ऑक्सीजनेशन या फिर ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन कैन बी डन ओनली इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड हो, अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी 2 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से वो एडमिनिस्टर किया जा सकता है। नेक्स्ट, डायफ्रेग्मेटिक ब्रीदिंग, इसमें डायफ्रेग जो आपका डायफ्राम है वो यूज हो। हमने देखा एम्फाइसिमा में कि ऐसे जो एसेसरी मसल्स है वो भी यूज किए जाते हैं या फिर वो भी यूज होते हैं, क्योंकि फोर्स लगाना होता है फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो फोर्स लगाया जाता है, तो डायफ्रेग्मेटिक ब्रीदिंग आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पोजिशनिंग इज इम्पोर्टेंट। हम जो भी डिसऑर्डर्स देखते हैं, कई सारे डिसऑर्डर्स ऐसे है, चाहे वो औरतों के हो या फिर मेडिसिन के हो, एमएसएन के हो, तो उसमें सर्जिकल भी डिसऑर्डर्स है जिसमें पोजिशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज वन ऑफ द अनदर डिसऑर्डर जिसमें पोजिशनिंग इज इम्पोर्टेंट। ऑर्थोपनिया पोजिशन या सिटिंग पोजिशन आप पेशेंट को दोगे जिसमें ही और शी इज एबल टू ब्रीथ वेल, डिफिकल्टी ना हो। उसके बाद प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसमें यू विल आस्क दैट, मतलब अब ये क्या है, अगर आप CHO के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो CHO में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर CHO के एग्जाम में है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मेडिकल या फिर मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बट उसके कंपैरिजन में पब्लिक हेल्थ में क्या चीज़ें होती हैं, लाइक प्रोग्राम्स है, हेल्थ प्रोग्राम्स है, या फिर पब्लिक सेक्टर में किस प्रकार से हेल्थ प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है, पब्लिक सेक्टर में किस प्रकार से जो आपका पब्लिक हेल्थ स्टाफ है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो वो किस प्रकार से मेथड्स कैरी आउट करता है, किस प्रकार से जो आपके प्रोग्राम्स कैरी आउट करता है, एक्शंस लेता है, चाहे वो IEC एक्टिविटीज हो, चाहे वो हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटीज हो, तो ये किस प्रकार से किया जाता है, तो ये आपको फॉर CHO, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CHO, वो जरूर याद रखना। तो प्रिवेंशन जिसमें आप अवॉइड स्मोकिंग, तो हेल्थ एजुकेशन में स्मोकिंग के अगेंस्ट, मतलब टू अवॉइड स्मोकिंग आप एनकरेज करोगे आपके पॉपुलेशन को, हेल्थ एजुकेशन जब दोगे उसमें स्मोकिंग ना करें, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस तो है ही नहीं स्मोकिंग के, स्मोकिंग अब क्या है, अगर आप कहते हो अवॉइड स्मोकिंग तो ऐसे तो नहीं मानते कोई, राइट, ये मत करो, तो उसके पास आपके लिए सपोर्टिव रीजन होना चाहिए, और अगर आप वो अच्छे से प्रेजेंट करते हो इन पब्लिक है पब्लिक डिपार्टमेंट, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल, जिसके कारण यू विल बी वेरी सक्सेसफुल टू एनकरेज द पीपल एंड यू विल गेट कि लोगों ने स्मोकिंग, तो ये काफ़ी बड़ा प्रोसेस है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, डीप प्रोसेस है, तो वो है। बट प्रिवेंशन में अवॉइड स्मोकिंग, सेकेंड थिंग डस्ट अवॉइड करना, तो उसके लिए अब डस्ट क्या है कि आप यू कैन अवॉइड इट लाइक यूजिंग मास्क हो, आप हैंडकरचीफ यूज कर सकते हो, आप इन कॉन्टेक्ट ना आए या फिर वो इनहेल ना करे, उसके कारण एलर्जीज एंड ऑल, फिर आगे जाके इट सेटल्स, फिर ब्लॉकेज, एयरवे ब्लॉकेज, ऑब्स्ट्रक्शंस, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, ये चीज़ें।
नेक्स्ट इज केमिकल्स, तो फिर केमिकल इंजरी है, केमिकल्स फ्यूम्स जो है वो इनहेल होते हैं तो आपके एयरवे में वो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएंगे। एंड देन लास्ट इज प्रिवेंशन में की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जैसे एक एग्जांपल मैंने बताया फर्स्टली ब्रीदिंग, इसमें आप पूरा फोर्स लगाते हो, अच्छे से ब्रीथ करते हो, पूरा इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस आप अच्छे से करोगे ताकि जो रिक्वायरमेंट है या फिर जो नॉर्मलाइजेशन है ऑफ द प्रोसेस वो होगा, ओ टू आएगा, सीओ टू बाहर जाएगा। एंड या सो सीओपीडी इज नॉन क्यूरेबल प्रोसेस, नॉन क्यूरेबल डिसऑर्डर, तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक ही आप करोगे, अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ही ट्रीट उस पेशेंट को किया जाता है। लास्टली प्रिवेंटिव मेजर्स कंडक्ट, प्रिवेंटिव मेजर्स आर अंडरटेक। सो आई होप जो भी हमने आज के क्लास में पढ़ा है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीओपीडी, इसको हमने ब्रीफ में देखा है, इतना डीप या फिर इसमें और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। ये सीओपीडी का क्लास इट टेक्स लाइक 1.5 डेढ़ घंटा भी लगता है इसको सिखाने में, बट इन ब्रीफ जो शॉर्ट है जो ज़रूरी है वो हमने देखा है, जिसमें हमने सीओपीडी का डेफिनेशन देखा है व्हाट इज सीओपीडी, फिर उसके बाद हमने सीओपीडी के कुछ इटियोलॉजिकल कॉजेस हैं वो हमने देखे, उसके बाद हमने सिम्टम्स, उसके बाद हमने पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, लास्टली वी हैव सीन द। सो आई होप आपको आज का क्लास हेल्पफुल लगा होगा। यू फील हैव एनी क्वेश्चंस, आई विल वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स। द क्वेश्चंस if you have any question you can ask, wait for a couple of minutes and तो अब ये तो COPD है, इसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम सैटरडे को इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, COPD के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQs है, तो सैटरडे के क्लास के लिए रेडी रहिए। नेक्स्ट क्लास जो रहेगा उसमें हम एक और इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसीज सीखने वाले हैं, वो है निमोनिया। अनदर वेरी इम्पोर्टेंट वो हम नेक्स्ट क्लास में जो वेनसडे को होगा 6 PM दैट क्लास विल सी निमोनिया अनदर इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो फ्राइडे का क्लास है उस एक और डिसऑर्डर 6 PM लास्टली इस वीक के सैटरडे 6 PM हम पर MCQ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपका आपको अच्छा ये आज का क्लास जो है जो था पसंद आया होगा, इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू, टू लाइक द क्लास या फिर लाइव सेशन को, इस लाइव क्लास को आप लाइक करिए, आप शेयर कर सकते हैं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़रूर आपने करना चाहिए अगर आप नर्सिंग के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कर रहे। यस यू हैव दिस चैनल क्रैक नर्सिंग, तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस ताकि जब भी हम लाइव सेशंस कंडक्ट करें, जब भी हम क्लासेस लें तो आपको उसके नोटिफिकेशन आए और आप क्लासेस में, एंड लाइक और कमेंट भी आप कर सकते हो, आपके कुछ डाउट्स हो वो भी आप। तो आज के क्लास में बस इतना है, I hope it was helpful. See you in the next class. Till then,